प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा कक्षा कार्य है आपके पाठ्य पुस्तक प्रवेश में संकलित पाठ जंगल में फेसबुक। बेटा, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो विज्ञान में उन्नति की है, उस उन्नति के जो हमने उन्नति की है, उस उन्नति के बारे में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार हम घर में बैठे बैठे ही देश विदेश के समाचार पत्रों को भी पढ़ सकते हैं। एक मिनटों में ही चिट्ठी कहीं देश विदेश कहीं पे भी चिट्ठी भेज सकते हैं। पहले समय में जब चिट्ठी डालते थे और फिर उसको भेजने के लिए और वापस जब हमें उसका उत्तर मिलता था उसके लिए बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता था। इस कहानी के माध्यम से जंगल के जो पशु पक्षी हैं उनके माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि साइंस ने जो उन्नति की है उसने हमें हमारी ज़िंदगी को कितनी उससे हमारी ज़िंदगी को कितनी सुविधाएं मिली हैं। आइए देखें। सुंदरवन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ही ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। अब इसमें से बेटा जो क्वेश्चन बन रही है कि वन में कौन रहता था। प्रश्न एक, वन में कौन रहता था। प्रश्न दो, पशु पक्षी अपनी समस्या लेकर किसके पास आते थे। बेटा, इस चैप्टर में जैसे ये पाठ के उद्देश्य है कि उत्तरदायित्व के जो हमारे उत्तरदायित्व जो हमारे उत्तरदायित्व जो हमारे अधिकार बनते हैं जो कर्तव्य हैं हमारे उत्तरदायित्व होते हैं हम जिन बातों को लेके जवाब देना पड़ता है हमें। चिंता के दूसरों की चिंता, समस्या समाधान, अगर कोई समस्या आती है जिंदगी में तो उसका समाधान भी होता है। आशा, निराश नहीं होना है, आशा से ही जिंदगी चलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पे दिखाया गया है किस प्रकार हम विज्ञान ने जो उन्नति की है उसके माध्यम से जो सहूलतें हैं उनका आनंद उठा रहे हैं। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो। गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है, बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे दो चूहे बातें करते दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार ना मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अब इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं बेटा कि खरगोश को कौन सा उपाय सूझा, पेड़ के नीचे, प्रश्न चार, प्रश्न तीन कि खरगोश को क्या उपाय सूझा, प्रश्न चार के पेड़ के नीचे कौन रो रहा था, प्रश्न पांच के किसकी माँ शहर में अकेली रहती थी, प्रश्न छह जंगल में क्या खराब हो गया था, जंगल में क्या खराब हो गया था। अगले दिन सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने अपनी आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है, मुझे एक उपाय सूझा है। बेटा, उपाय मीन समाधान। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा बेटा होती है जानने की इच्छा कि उपाय कोई समाधान, जिज्ञासा जानने की इच्छा। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। कैसा उपाय, सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला,
देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है, इसलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। इंटरनेट, सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीरें देखने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं कि फर्स्ट प्रश्न है इसमें, खरगोश ने जंगल में किस चीज़ का प्रयोग करने की सलाह दी, कि खरगोश ने जंगल में किस चीज़ का प्रयोग करने का सुझाव दिया, सलाह दी। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे की तस्वीरें विदेशों में बैठे बैठे देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने वाले के लिए एक ईमेल पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है, उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली हैं। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। ना कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और ना ही डाकघर जाकर टिकट लगवाने की सिरदर्द। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है, सभी पशु पक्षियों ने सोचा। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बना। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियां और तस्वीरें इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र मिल गए थे। अब बेटा, इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं कि इंटरनेट की सोशल साइट्स के नाम बताएं, इंटरनेट की सोशल साइट्स के नाम बताएं। अगला प्रश्न है, जन्मदिन के अवसर पर हम किसके माध्यम से निमंत्रण भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी पशु पक्षियों ने अपना कौन सा पता बनाया। बेटा, अब ध्यान से वीडियो को सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। धन्यवाद।